हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में, क्या चल रहा है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप उनसे मिल रहे हैं, बात हो रही है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो तो जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। एंड ये जेंडरलेस रीडिंग है तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के राइट नाउ करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ओके। सो लेट्स सी व्यूअर्स, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है सिक्स ऑफ सोर्ड का, ओके। वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे हमारे पास आई है, सेवन ऑफ कप्स के साथ में, ओके। लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके लिए। सो वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल, वी हैव द रिन्यूअल, पेज ऑफ वैंड्स एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम से हमारे पास एट ऑफ कप्स है, टू ऑफ पेंटिकल है एंड द लवर्स की एनर्जी है, ओके। सो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं आपके लिए, आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ओके व्यूअर्स। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन का एक जो प्रोस्पेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। क्या डिफरेंस आया है आपके पर्सन में? क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है। कुछ चैलेंजिंग टाइम से आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में निकल के आपको साथ लेके आगे बढ़ते, मुझे सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है। क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए हैं, वो ये है कि एक तरह से मैं देखूँ वो आपके पर्सन आपका एक साथ निभाने के लिए आपके साथ में जुड़ रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में चैलेंज बहुत रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए मन मुटाव, आप दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं रहे हैं, मन रूठना, बिछड़ना, मनाना, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेशन भी झेलना। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम, बहुत ही बुरा वक्त देख के अब अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर टाइम की तरफ आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये आपके पर्सन का माइंडसेट है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि अब बहुत ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ली, या फिर बहुत मन मर्जी कर ली, या फिर जैसे भी हो बहुत मिस्टेक्स भी हो गई हैं, बहुत कुछ ऐसा था इन्होंने, आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा था ना कि ख़राब कर लिया, संभाल नहीं पाए रिश्ता, मतलब रिश्ता ऐसा था जिस समय नाजुक मोड से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता गुजर रहा था, बहुत ही नाजुक समय था जब इन्होंने इनको पता क्या लगा उस समय, जब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई तो इनको लगा कि ये हैंडल नहीं कर सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है, या फिर ये अपने आप को उस समय कैपेबल नहीं समझ रहे थे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका रिश्ता एक लवर्स का रिश्ता है, ठीक है। लवर्स हो आप लोग एक दूसरे के लिए, सोल कनेक्शन है आप लोगों का एक दूसरे के साथ में, इंटीमेसी बहुत है आप लोगों के बीच में, एक तरह से ट्रू कंपेनियन हो आप लोगों को एक दूसरे के लिए, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है एक दूसरे के लिए, दिल से जानते हो। आप में से कोई जेमिनाइन साइन का हो सकता है, जेमिनाइन जिसका लग्न का हो, ठीक है। और आपके पर्सन का जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो माइंडसेट यही कहता है कि मे बी आप जेमिनाई हो सकते हैं या फिर ये पर्सन जेमिनाई हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों में से कोई एक किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज, हर एक के लिए ना हो, लेकिन जिनके लिए भी आया है व्यूवर्स, या फिर सबकी अगर मैं बात करूँ, मैं किसी को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते। एक जेमिनाई की एनर्जी की स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, वो अपने पार्टनर के बिना जी नहीं सकता। तो ये मैं कहने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब यही है कि आपका पार्टनर आपके बिना रह नहीं सकता, ठीक है, वो आपके साथ में जुड़ना ही चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने आपको बेशक उस समय बोल दिया हो कि मैं आपके बिना जी लूँगा या जी लूँगी, आपके बिना रह लूँगी, लेकिन मैं ये फील कर पा रही हूँ कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने के बाद में कहीं ना कहीं इनको फील होने लगा कि यार नहीं, मुझसे अकेले ज़िंदगी नहीं संभलेगी, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, मुझे उसका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, यानी आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सपोर्टिव एनर्जी जो गेनिंग है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और यही मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके साथ में रिन्यूअल चाहते हैं, ठीक है, रिन्यूअल लेके आ रहे हैं। रिन्यूअल क्या होता है, एक तरह से आप जो चीज़ें छोड़ चुके हो पीछे, या फिर जो चीज़ें आपकी बर्बाद हो चुकी हैं, या फिर आप किसी को लेट गो कर चुके हो, तो उसको फिर से हासिल करने वाली एनर्जी, तो वही देख रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल आपके रिलेशनशिप में है, यानी आपके पर्सन आपके साथ में एक बेहतर रिश्ता आप चाहते हैं, वही रिश्ता चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ में जो रिश्ता था उसे पीछे छोड़ दिया, उसको लेट गो कर दिया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, उनको लग रहा था कि ये मतलब जी लेंगे आपके बिना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता ही है जो मैं कह रही हूँ वो सच है,
है ना, आपको बोला होगा कि मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मैं अपने लेवल पे सब कुछ कर लूँगा। इनको इनको ये नहीं पता था कि यार जो पीछे संभालने वाला जो पर्सन है, मैनेजमेंट दिखाने वाला पर्सन है, जो मतलब इनकी कमियों को ढाक लेने वाला पर्सन है, वो तो आप ही हो। यानी आप कितना बर्दाश्त कर रहे थे, इनको ये पता ही नहीं था। इनको ऐसा कोई मिला नहीं कि जो इनको इतना बर्दाश्त कर सके, और ये सच्चाई है। ठीक है, देखो रिश्ते तभी बेहतर चलते हैं जब एक सुन ले दूसरा सुना ले, और एक समय पे एक चुप हो जाए दूसरा बोल ले, तो वही रिश्ते सबसे ज़्यादा बेहतर चलते हैं आज के ज़माने में। ठीक है, अगर दोनों ही अग्रेसिव मिल जाएं कि दोनों ही चिल्लाना सीखना शुरू कर दें, तो रिश्ते तो 4 दिन में ख़त्म हो जाए। लेकिन इस रिश्ते में वही क्वालिटी है जो आपकी इस रीडिंग में निकल गया है कि भाई एक पर्सन शांत है और एक पर्सन अग्रेसिव है, लेकिन हाँ दूसरा पर्सन उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो इसीलिए आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे कमबैक नज़र आ रहा है। उनको समझ में आ गया भाई कि तुम ही हो जो इनको बहुत अच्छे से अब आगे लेके जा सकते हो, इनके रिश्ते को आगे लेके जा सकते हो, और एक बेहतर भविष्य इनको मिल सकता है। बेहतर भविष्य यहाँ पे क्या है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते, इन्होंने चॉइस कर लिया है, आपको चुन लिया है। बहुत ही कन्फ्यूज़ रहे हैं किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने जब देखा अपनी ज़िंदगी को, सोचा समझा, समझ में आ गया इनको कि भाई नहीं, मेरी डिज़ायर यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आपको अपना जीवन साथी बना के चलूँ, यानी बना के चलूँ। देखो एक कहता हो, एक ऐसा होता है कि आप किसी को चुन लो, और एक होता है कि आप जिसको आपने पहले ही चुन रखा उसको, उसके साथ में आप अपनी बिगड़ी हुई बात बना लो। ठीक है, तो इनको बनानी पड़ेगी आपसे। ठीक है, तो आप ज़्यादा डरो मत यहाँ पे कि ये क्या करेंगे, अब ये खुद आपके साथ में रिश्ते बेहतर करेंगे। आपको खुश रखने की कोशिश करना, या फिर आपके चेहरे पे मुस्कान लाना, या फिर आपको कुछ ऐसा बोलना जिससे आप खुश हो जाओ, और जो पुरानी पास में जितनी बातें हुई हैं उनको आप भूल जाओ, आप उनको लेट गो कर दो। तो इनका जो है आपकी तरफ एक रुझान रहेगा व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं यही रहेगा कि ये आपकी तरफ एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आ रहे हैं कि अब ये गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्से पर बहुत कंट्रोल करेंगे, बहुत गुस्सा इनका रहता है। ठीक है, और ये मुँह में आया जो भी होता है बोल जाते हैं, फिर गलत कदम उठा लेते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब आपके सामने कहीं ना कहीं सरेंडर करेंगे, थोड़ा नाक नीची करके अब ये चलेंगे आपके पर्सन। हाँ देखो ऐसा ही है यहाँ पे, तो आप तो बस थोड़ा सा रिलैक्स रहो। देखो गुस्सा आपको भी नहीं करना है, ठीक है, जब सामने वाला पर्सन गुस्सा नहीं कर रहा तो आप भी गुस्सा मत करो, है ना। चलो किंग ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं क्या निकल के आता है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, 2 आए हैं। किंग ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ये जो व्यूअर्स आपके पर्सन है जो इन्होंने कहीं ना कहीं पास में चीज़ें बिगाड़ी हैं मूव ऑन करने के बाद में, ठीक है, अब ये उसको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट की एनर्जी वो जो यहीं आई थी वो यहीं आई है, सेम एनर्जी आई है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये आगे बढ़ के, अब आगे बढ़ के ये रिश्ते संभालेंगे, तो ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके लिए छोटी सी रीडिंग है, आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।